निर्वाचन आयोग में आयुक्तों के खाली पद भरने के लिए केंद्र सरकार तैयारी कर रही है। चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय चयन मंडल की बैठक अब 14 मार्च को तय की गई है। पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 15 मार्च शाम 6 बजे बैठक होने की बात कही थी, लेकिन अब पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन कमेटी की बैठक 14 मार्च को दोपहर 12 बजे होने जा रही है। निर्वाचन आयुक्त के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया की एक निश्चित परिपाटी बनाए जाने को संसद से मिली मंजूरी के बाद पहली बार उसके तय सहयोग वक्त एक नहीं बल्कि संभवतः 2 निर्वाचन आयुक्त का चयन होगा। ऐसा होने से ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि अमूमन एक समय पर एक ही पद खाली होगा और भर्ती यानी नियुक्ति भी एक ही समय में एक ही पद पर होगी। ऐसा का चर्चा है कि चयन मंडल 2 चुनाव आयुक्तों के चयन पर चर्चा करेगी। उम्मीद है कि चयन होने के बाद दोनों को शपथ दिलाने में भी कोई देरी नहीं होगी। मुमकिन है 15 या 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के चुनाव के लिए तैयार किए गए पुल में जिन नामों को चर्चा है उसमें वरिष्ठ नौकरशाह तरुण बजाज, यूपी के मुख्य सचिव रहे दुर्गा शंकर मिश्र और यूआई योजना के पूर्व प्रमुख राजेश भूषण के नाम शामिल हैं।